नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इस समय बाबरपुर विधानसभा के कर्दमपुरी वार्ड के अंदर। यहां पर देखने में आ रहा है कुछ गेटों को लेकर के समस्या चल रही है। सारे स्थानीय निवासी यहां पर मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मनमोहन सारस्वत है जी, और मैं RWA बैज ज्योति नगर का प्रधान हूं जी। क्या समस्या आ रही है इन गेटों को लेकर? देखिए, ये गेट सुरक्षा के, कॉलोनी के आदमियों की सुरक्षा के लिए गेट बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि यहाँ पे अनऑथराइज पर्सन बहुत कॉलोनी में वारदात करते हैं जी। और जिसका के पुलिस में हम समय समय पे सूचना भी देते रहते हैं जी। लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाग मानते नहीं है जी। जब गेट लगाया, बाकायदा पेपर देके MCD से अप्रूवल कराया गया है, हाई कोर्ट तक केस गया। हाई कोर्ट में जब केस गया, हाई कोर्ट ने कहा नहीं, ये गेट अप्रूव्ड है MCD से और इसके बारे में कोई शिकायत नहीं है। रात को गेट बंद रहता है 11 से लेकर सुबह 5 तक जी, और उस समय हमारा यहाँ पे गार्ड रहता है जी। आगे ये हमारी अप्रूव्ड कॉलोनी है, अप्रूव्ड कॉलोनी में जो गेट लगे हुए हैं उन पे सब पे आप 24 आवर्स हमारे गार्ड मिलेंगे आप जी। इसके बाद भी अगर कोई कंट्रोवर्सी है जी, पहली बात तो इसमें कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक है। नहीं ठीक है, 11 से आपने बताया रात के 11 से 5 बजे तक सुबह बंद रहता है, लेकिन गार्ड वहाँ मौजूद रहता, गार्ड रहता है। इमरजेंसी पड़ जाए तो वो क्या खोलेगा जी। लेकिन एक बात मुझे इसमें बहुत जरूरी जो कहनी है, वो बात मुझे कहनी है जी। गेट हटाना या गेट लगाना जी, ये मुझे लगता है यहाँ पे इशू अब नहीं है, बिल्कुल ठीक है। एक दो आदमियों का इशू ये है कि किसी तरह से भी मेरी ईगो है, मैंने कहा जी, तो अब ये गेट क्यों नहीं हटे जी। गेट हटाने की बिल्कुल, बस ईगो गेट हटाने की है जी। आप उनको 24 घंटे खोल के दे दीजिए जी, वेलकम करके मैं खुद खड़ा होकर गेट खोल दूं तब भी नहीं साहब जी 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 जी। हम आपस में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं सब लोग यहाँ पे, तो हमारा काम क्या है? अगर मान लीजिए कोई हमें शिकायत है एक दूसरे से, बैठ के बात की, बिल्कुल बात की जा सकती है, हम तैयार है आधी रात। लेकिन अगर ये कहना नहीं, हम तो मानेंगे ही जब वो मुझे गेट उखड़ ही जाएगा, उखड़ ही जाए भाई। नियम कानून से गेट लगाया गया है, आपको हर समय 24 घंटे वहाँ पे समस्या पर्टिकुलर एक बंदे को है या कितने लोग? सिर्फ एक आदमी को, सिर्फ एक आदमी का है जी। और वो भी इस गली का नहीं है जी, 9 नंबर गली का जी। और सबसे बड़ी, आप अगर आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि RWA बैज ज्योति नगर जो कि अप्रूव्ड है जी, वहाँ MCD ना सड़क बनाती है, ना नाली बनाती है, ना वहाँ पे कोई भी किसी तरह का MCD साफ सफाई करती है। ज्योति, ये तो अप्रूव जो कॉलोनी है ये आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर आप लोगों के द्वारा। हम लोग अपने RWA से पैसा खर्च करके कराते हैं, उसके बावजूद भी हम किसी को रोकते नहीं आने जाने वाले। सब लोग आप आज भी देख रहे हैं, शिवरात्रि का वो है, बिल्कुल सब जा रहे हैं, वाहन भी आ रहे हैं जा रहे हैं, हम रोकते नहीं है। लेकिन कॉमर्शियल वाहन को रोका हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है, नहीं तो सबकी गाड़ियां तोड़ेंगे, गाड़ियों को में जाके टक्कर मारते। बाकी हमारा ऐसा कोई वो नहीं है, हम तो खुद कहते हैं कि भाई आप जो है आइए और सावधानी से रहिए और आप लोग सब साथ मिल के रहिए, क्योंकि गेट लगना तो देखने में आ रहा है कि गेट लगना इसलिए जरूरी भी है कि सुरक्षा सबसे पहले। देखिए, जो MR6 जो तत्व है जी, सारे दिन सब लोग अपने अपने कामों पर चले जाते हैं, यहाँ हमारी बहन बच्चे खेलते हैं, सारे दिन जो है मोटरसाइकिलों पर लोग ऐसे घूमते हैं जैसे आवारा किस्म के होते हैं। उसके बाद में रात की भी स्थिति है, 10 बजे 11 बजे के बाद में हमको काम से आया तो आदमी अपने घर में विश्राम करेगा ना, लेकिन उसके बाद में देखा कई इतनी तेजी से मोटरसाइकिल में 3-3, 4-4, 5-5 लोग होते हैं, और उसके बाद 9 नंबर वाले व्यक्ति को यहाँ क्या परेशानी है, 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर में उसको दिक्कत क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अपनी दिक्कत बताया ना, उसकी दिक्कत कुछ नहीं है, बस उसकी दिक्कत ये है कि मतलब 24 घंटे उसको सलूट मारा जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा बिल्कुल भी। जो है आप लोग नहीं चाहते यहाँ से गेट हटे और बिल्कुल भी नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ से जो ये गेट लगा हुआ है ये हमारी 6 नंबर गली की सुरक्षा का गेट है जी। यहाँ जो भी व्हीकल पार्क होता है, रात में होता है, दिन में होता है, ये सब अपने इनके अपने अपने व्हीकल हैं, और यहाँ के रहने वाले को किसी से को भी इस गेट से कोई समस्या नहीं है। समस्या है एक आदमी की पर्सनल इशू जी, वो अपनी ईगो बना रखी है कि मुझे तो ये हटवाना है, इसलिए वो जगह जगह कंप्लेंट कर रहा है जी। बट दैट्स ऑल। और मैं आपको एक एक मैं जी, मैं इसी गली का निवासी हूँ और RWA एक्सटेंशन का अध्यक्ष हूँ मैं। ये जो समस्या है ये क्रिएट की हुई समस्या है, समस्या कोई नहीं है। यहाँ पर गली नंबर 6, 7, 8, 9, 4, 5, 3, 2 और 1 जी, ये 96 प्लॉट हैं डी ब्लॉक में, क्योंकि ये मैटर डी ब्लॉक का है। यहाँ एक आदमी को छोड़ के किसी को परेशानी नहीं है, उसने एक आदमी को और इन्वॉल्व कर लिया जी। ये जो गेट है
ये गेट लगा हुआ है अप्रैल का, जब ये दंगे हुए थे फरवरी में, तभी सभी लोगों ने एक अपनी मीटिंग करी और उसमें ये सोचा कि सुरक्षा के हिसाब से यहाँ गेट लगाया जाए, और इस गेट के पिलर खड़े कर दिए गए थे अप्रैल में। अप्रैल में खड़े होने के बाद ये 6 महीने गेट खड़े रहे, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर दिक्कत थी तो उसी टाइम बताया जाता कि आप पिलर क्यों लगा रहे हैं। और जो कोने पे मकान है रहीमुद्दीन का, उसने भी इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे और लोगों ने दिया है वैसे ही उसने पैसे दिए हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं थी, आज भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक समस्या बनाई गई है। दूसरी बात, इसमें जो अभी कंप्लेंट की गई थी कि जी यहाँ पर अवैध पार्किंग हो रही है, कोई अवैध पार्किंग नहीं है, सबके अपने मकान है, अपने अपने मकान है, उन्हीं की गाड़ी है, ये दिन में गाड़ी खड़ी, रात में गाड़ी खड़ी होती है, दिन में अपनी चली जाती है। कितने गेट आप लोगों ने लगाए हैं? देखिए यहाँ गेट, दो गेट लगे थे, गली नंबर 8 और गली नंबर 6 अप्रूव्ड में सारे गेट लगे हुए हैं, जो अभी हमारे पंडित जी ने, अध्यक्ष जी ने बताया। यहाँ पर कंप्लेंट करी गई, कोर्ट में केस डाला गया। ये जो 6 नंबर गेट है, ये AMCD से अप्रूवल मिली हुई है इसकी, और हाई कोर्ट से मोहर लगी हुई है। अभी 2 दिन पहले कहा था कि ये गेट अवैध है, हम इसकी भी कार्रवाई कर रहे हैं, उस चैनल को भी कार्रवाई कर रहे हैं जिसने ये भ्रामक ये इसके लिए बोला है। बात ये ऐड करना चाहता हूँ कि प्रूफ के तौर पर मेरे पास एक सिर्फ एक छोटी सी फोटो है जी। दिन में कुछ लड़के आके जी। और कॉलोनी की कोठियों की या कॉलोनी के बच्चों की फोटो लेते हैं, बाकायदा टिकटॉक बनाते हैं जी। अगर इस पे आप कैमरा जूम कर सकें अपना तो ये देखें, ये फोटो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम दिखाएंगे। मैं व्हाट्सएप करके ये मैं फोटो भी भेजता हूँ आपको जी, जी। इस तरह के मेरे पास बहुत सारे सीन हैं कि हमारे यहाँ पे एक MCD पार्क है, आप अभी भी जा सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ पे ये सब हरकतें चल रही हैं। अब इसमें वो ये है कि समुदाय का नाम आ जाता है, अदरवाइज ये बातें कहनी नहीं चाहिए, ये रोज का यहाँ इशू बन चुका है। तो ऐसे में मौजूदा पार्षद की बात करें तो क्या वो इन सब पार्षद हमारे सहयोग नहीं कर रहे? जबकि हमने पार्षद को खुद अपने यहाँ पे ध्वजारोहण के कार्यक्रम में 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे उनको इनवाइट किया, बुलाया, सम्मान दिया, उसके बावजूद भी नहीं कर रहे। विधायक को खुद RWA ने बुला के खाना, विधायक जी को जो कि मंत्री भी है दिल्ली प्रदेश में, उनको भी हमने बुलाया, उसके बावजूद ही हमारा फिलहाल कुछ भी हो जाए हम ये गेट नहीं हटने देंगे। कुछ भी हो जाए सब ज्यादा ज्यादा क्या है जी जी जी, ज्यादा ज्यादा देखिए कोई ऐसा तो हमने काम किया नहीं है जिससे हमें सजा मिले, लेकिन हो सकता है कोई गलत एलिमेंट हमको मार दे, उसकी चिंता नहीं। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे इस गेट को? मैं ये कहना चाह रही हूँ गेट को लेकर के, तो इससे हमारी सुरक्षा है और हमारी गाड़ियाँ खड़ी रहती है, तो जिन लोगों को जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं ना, आए दिन गाड़ियों के टायर निकाल लिए, बैटरी चोरी हो गई, तो वो चोरी रुक रही है जी। और गुंडागर्दी पे थोड़ा बैन लग रहा है। क्या पुलिस प्रशासन को आप लोगों ने कॉल नहीं करा कि इस तरीके की यहाँ पे सब कुछ कर रखा है? नजदीक में ज्योति कर रखा है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं होती। और पार्क में आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी जरूरत है इस गेट की? गेट की तो बहुत ज्यादा जरूरत है, गेट की तो गेट ज्यादा सुविधा है हमारी, बिना वजह की बात है, गेट का कोई इशू नहीं है वैसे, ये तो जो कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अपनी सुरक्षा के लिए लगाया, सबने मिलकर लगाया। ये है कि वो 9 नंबर में रहता है, हम 6 नंबर में रहते हैं, उसे ये आपत्ति क्या है हमारी समझ में ये बात नहीं है। हमने उससे ये भी पूछा भाई, खुद में कोई दिक्कत परेशानी तो तुम हमें बताओ, उसको समस्या का हम करेंगे, लेकिन वो ये कहता है कि मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी वो कंप्लेंट पे कंप्लेंट करे जा रहा है। आखिर पूरी ज्योति नगर जो उसने जो है बिल्कुल जो है परेशान करके रख रखा है एक आदमी ने, लेकिन उसके समझ में उसे समझाया भी है, लेकिन वो मानता नहीं है, क्या चाहता क्या नहीं है हमारी समझ में नहीं। तो क्या ये समस्या आपने दिल्ली पुलिस के को? हर जगह हमने कंप्लेंट कर रखी है, एक यहाँ ये खेत है, खेत के अंदर है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक जुआ दारू गांजा समेत सब चलता है, लेकिन हमने कंप्लेंट कर रखी है थाने में भी, SHO भी ऊपर तक करे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या दिक्कत है इस गेट से? कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि दिल्ली सरकार के जो यहाँ के पार्षद हैं उनकी कमी है, और यहाँ के जो विधायक जी हैं उनकी कमी है, जो इतना क्राइम होने के बाद
गेट से कोई दिक्कत नहीं होती, हमारी बहन बेटियां हमारे बच्चे भी सुरक्षित हैं इस गेट से। और लगता है कि दिन में जो फेरी वेरी वाले आते हैं वो सारा वीडियो क्लिप करके लेके जाते हैं, और फिर रात को वो शायद गतिविधि जी हाँ, मेरा भी आना जाना रहता है तो रात को 12 बजे के बाद ही ये बंद होता है, दिन में तो खुला रहता है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है इस गेट के खुलने और बंद होने से? हाँ जी, सुरक्षा जी, सुरक्षा है जी, यहाँ पे इशू बना रहा है इस चीज़ का, महिलाओं को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं है जो गेट लगा हुआ है।